हेलो दोस्तों जय महाकाल मैं आपका दोस्त चंद्रशेखर सुन्य टू इन्फिनिटी चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों ये पटवारी के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे आपके लिए जो मैं आपको अभी क्लासें दे रहा हूँ तो दोस्तों लोकायुक्त के बारे में आज हम पढ़ेंगे जो आपके पटवारी आर ए एस यू सभी में ज़्यादातर इम्पोर्टेंट है तो दोस्तों आगे आने वाले वन रक्षक हाईकोर्ट वी डी इन सभी में आपको बहुत हेल्प मिलेगी तो दोस्तों शुरू करता हूँ आज का टॉपिक लोकायुक्त से संबंधित इनमें सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको और बाकी इनमें मैं आपको बाद में क्वेश्चन भी दूंगा उसके आपको हल करने हैं तो उनमें आपको उनको तो रट रटी लेना दोस्तों क्वेश्चनों को तो जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी ऐसे कैसे क्वेश्चन उठ के ऐसे आएंगे तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों लोकायुक्त के बारे में शुरू करते हैं दोस्तों पहले बात तो कि ये लोकायुक्त है क्या ये कहाँ से आई और ये कहाँ लागू हुई पहले उन सभी के बारे में तो पहले बात करता हूँ कि विश्व में अधिकांश देशों में जिस संस्था को हम लोकायुक्त कहते हैं उसको पहले आम आम बोट्स मैन कहा जाता था क्या कहा जाता था ओम बोट्स मैन ठीक है कहा जाता था ये हमारे देश में लोकपाल या लोकायुक्त के नाम से इसे हम जानते हैं ये विश्व में तो किस संस्था के नाम से प्रसिद्ध है ओम आम, ओम्स बोट्स ठीक है और अब भारत में देखते हैं तो इसे लोकपाल या लोकायुक्त के नाम से जानते हैं भारत में लोकपाल या लोकायुक्त नाम उन्नीस में पड़ा ठीक है याद रखना भारत में लोकपाल या लोकायुक्त का नाम उन्नीस में एक कानून विद्वान थे बहुत ही मशहूर कानून विद्वान थे तो वो थे डॉक्टर एम एल सिंह भी इन्होंने इस लोकायुक्त का नाम दिया था अब याद रखना लोकपाल शब्द अगर संस्कृत में अर्थ पूछता है आपको तो लोक का अर्थ है तो लोग और पाला का अर्थ है संरक्षक ठीक है इसका संस्कृत में अनुवाद ये होता है ठीक है अब देखिए अगले वाला लोकपाल या आम आर्म्स बोर्ड्समैन नामक संस्था ने प्रशासन के प्रहरी बनने रहने में अंतरराष्ट्रीय सफलता प्राप्त की है ठीक है याद रखना अंतर्राष्ट्रीय सफलता प्रा, प्राप्त की है इसका अगर प्रारंभिक श्रेय की बात करते हैं तो इसका प्रारंभिक श्रेय दोस्तों स्वीडन को जाता है क्योंकि यहीं ये आर्म्स बोर्ड्स नामक संस्था की स्थापना हुई थी फिर देखते हैं 1809 में दोस्तों स्वीडन के संविधान में आर्म्स बोर्ड्समैन ऑफ फॉर जस्टिस के रूप में प्रथम बार इस संस्था की क्या हुई स्थापना हुई थी ठीक है ओम बोट्स मैन ठीक है याद रखना कहाँ स्वीडन में कब 1809 में ईस्वी में ठीक है 1809 में ठीक है आर्म्स बोर्ड्स मैन स्वीडन भाषा का एक शब्द है किस शब्द का स्वीडन भाषा का एक शब्द है ये जिसका शाब्दिक अर्थ है लोगों का रिप्रेजेंटेटिव और एजेंट ठीक है इसका ये अर्थ है लोगों का रिप्रेजेंटेटिव या एजेंट के रूप में इसे जानते हैं फिर नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों राजस्थान की बात करते हैं तो वर्ष उन्नीस में राजस्थान में एक भी क्या थी एक भी राजस्थान में भी प्रशासनिक सुधार समिति के नाम से एक संस्था चलती थी फिर अपने प्रतिवेदन में ऑम्स बुड्समैन जैसी एक कानूनी संस्था का गठन की सिफारिश की गई राजस्थान के अंदर उन्नीस में पहले सिफारिश की गई किस संस्था में प्रशासनिक सुधार समिति की संस्था में कानूनी संस्था के गठन की सिफारिश की गई थी इसमें लेकिन जिसका कार्य कार्यपालिका की कार्यवाही पर नज़र रखना था केवल ठीक है इस समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों जो ये प्रशासनिक सुधार समिति हुई थी उसके अध्यक्ष थे दोस्तों हरिश चंद्र माथुर याद रखना कि वर्ष उन्नीस में राजस्थान में एक प्रशासनिक सुधार समिति हुई उसके अध्यक्ष कौन थे अध्यक्ष थे हरिश चंद्र माथुर याद रखना इम्पोर्टेंट है याद रखना हमारे देश में 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में पहली बार प्रशासनिक सुधार समिति आयोग या आई का गठन किया गया कब किया गया देश में 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में ठीक है अभी आ, आगे चलते हैं फिर देखिए दोस्तों सर्वप्रथम 1970 में उड़ीसा में लोकपाल की स्थापना हुई किसकी स्थापना हुई लोकपाल की स्थापना हुई थी 1970 में उड़ीसा में याद रखना वर्ष उन्नीस में महाराष्ट्र में उन्नीस में देखो उन्नीस में कहाँ हुई महाराष्ट्र में उन्नीस में हुई राजस्थान में लोकायुक्त संस्था की स्थापना हुई लोकायुक्त संस्था की बात कर रहा हूँ दोस्तों सबसे पहले लोकायुक्त संस्था की स्थापना कब हुई याद रखना महाराष्ट्र में लोकायुक्त संस्था की पहली बार स्थापना हुई ठीक है लोकपाल की स्थापना पूछे आपसे कि लोकपाल की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई तो याद रखना सर्वप्रथम लोकपाल की स्थापना उन्नीस में उड़ीसा में हुई थी दोनों को क्लियर कर रहा हूँ क्वेश्चन इनसे भी बन अगर लोकपाल की स्थापना पूछे तो आपको उड़ीसा बताना है अगर लोकपाल संस्था की लोकायुक्त संस्था की पूछे आपसे तो आपको पहली बार महाराष्ट्र में हुई थी उन्नीस में याद रखना केरल में लोकायुक्त को पब्लिक मैन से के नाम से जानते हैं किसके नाम से जानते हैं लोकायुक्त को पब्लिक मैन के नाम से जानते हैं जम्मू कश्मीर की बात करें दोस्तों इसे कमिश्नर ऑफ इंक्वायरी के नाम से जानते हैं अगर ये नहीं दिया हुआ हो आपके ऑप्शन में तो वहाँ दिया होगा भ्रष्टाचार निरोधी अभिकरण के नाम से इसे जानते थे ठीक है याद रखना दोनों इंपॉर्टेंट है अभी आपको क्वेश्चन में पता चल जाएगा देखो इससे पूर्व भी राजस्थान में एक अभियोग था या एक संस्था हुआ करती थी जिसको दोस्तों जन अभियोग की देखभाल के लिए जन अभियोग निराकरण विभाग नाम के नाम से विद्यमान थी ये संस्था किसके नाम से जन अभियोग निराकरण के नाम से ये विद्यमान थी वर्ष उन्नीस में राजस्थान लोकायुक्त तथा उपलोकायुक्त अध्यादेश पारित हुआ कब हुआ उन्नीस में राजस्थान के अंदर उपलोकायुक्त देश भी पारित हुआ तीन फरवरी उन्नीस याद रखना तीन फरवरी उन्नीस से राजस्थान में ये प्रभावी हो गया था ठीक है लोकायुक्त और उपलोकायुक्त तीन फरवरी उन्नीस में ठीक है फिर देखते हैं 26 मार्च उन्नीस को महामहिम राष्ट्रपति की स्वीकृति प्रदान हो गई थी इसे ये क्लियर हो गया था हो गई थी और तब से यह अधिनियम इस रूप में प्रभावी रह रहा है फिर नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है कैसे करता है इसके बारे में विस्तृत जानकारी लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है किसके द्वारा की जाती है राज्यपाल के द्वारा की जाती है याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राजस्थान में लोकायुक्त की नियुक्ति मुख्यमंत्री विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह के बाद राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है देखो अगर की नियुक्ति ऑप्शन में दी हुई हो राज्यपाल मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति या फिर आपको पूछ ले और भी अदर दे दे तो उनमें ध्यान रखना है राज्यपाल द्वारा अगर ये पूछ ले कि राज्यपाल में भी एक समिति और होती है कि राज्यपाल पहले कौन चुनता है इनको कि मुख्यमंत्री साहब होते हैं विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष होते हैं हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं इनकी सलाह पर यानी इन लोगों की समिति हुआ करती थी उनकी सलाह पर ही राज्यपाल इन्हें नियुक्त करता था ये याद रखना राज्यपाल व समिति तथा परामर्श से एक या अधिक लोका, उप लोकायुक्तों की नियुक्ति की जा सकती है याद रखना कि राज्यपाल व जो समिति थी अपनी ये इन लोगों की तो ये राज्यपाल और समिति तथा इनके परामर्श से एक या अधिक लो, उप उपलोकायुक्तों की किसकी उपलोकायुक्तों की नियुक्ति की जा सकती है आगे देखते हैं राज्य राज्यपाल अपने हस्ताक्षर और मुद्रा ठीक है ये भी इम्पोर्टेंट है कि राज्यपाल अपने हस्ताक्षर मुद्रा से युक्त वारंट द्वारा इनकी नियुक्ति करता है इंपॉर्टेंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राजस्थान में लोकायुक्त के कार्यकाल की बात करते हैं दोस्तों तो ये पहले पाँच वर्ष का हुआ करता था उसे बदल कर दो हज़ार में जो सरकार द्वारा बढ़ाकर इसे आठ वर्ष कर दिया गया कब बढ़ाया गया पहले पाँच वर्ष का था दो मार्च दो हज़ार में इसे बदल कर कितना कर दिया गया आठ वर्ष कर दिया गया इम्पोर्टेंट है ये सभी चीज़ें जुलाई दो हज़ार उन्नीस की बात करते हैं तो लोकपाल व उप लोकायुक्त के कार्यों कार्यकाल में फिर से संशोधन हुआ तो फिर लोकायुक्त का कार्यकाल कितना हो गया आठ वर्ष से वापस पाँच वर्ष कर दिया गया इम्पोर्टेंट है दो हजार जुलाई दो हजार उन्नीस में आठ से वापस पाँच कर दिया गया और अभी वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में दोस्तों इसका कार्यकाल पाँच वर्ष का है या पहले पैंसठ वर्ष की आयु हो या पाँच वर्ष पूरे हो ये जरूरी है ठीक है राजस्थान के अगर प्रथम उपलोकायुक्त की बात करते हैं दोस्तों तो उसके उपलोकायुक्त याद रखना उपलोकायुक्त थे के यू पी मेनन क्या थे के यू पी मेनन थे राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त की बात करते हैं तो याद रखना न्यायमूर्ति श्री आई डी दोहा थे लोकायुक्त कौन थे श्री आई डी दोहा थे और उप लोकायुक्त की बात करते हैं तो के यूपी मेनन थे याद रखना राजस्थान के वर्तमान लोकायुक्त कौन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए दोस्तों आपको मैं बता दूं कि अगर 2019 तक की बात करता है तो 2019 में दोस्तों 2013 से 19 तक तो राजस्थान के लोकायुक्त कौन थे एस एस कोठारी जी थे कौन थे एस एस कोठारी जी थे अगर वर्तमान लोकायुक्त की बात करते हैं तो पूर्व न्यायाधीश जो प्रताप कृष्ण लोहरा थे वो अभी वर्तमान में लोकायुक्त है? हैं याद रखना फिर बात करते हैं लोकायुक्त निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध शिकायत का अधिकार रखता है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हंड्रेड परसेंट गारंटी के साथ है कि इसमें से क्वेश्चन आएगा पटवार परीक्षा में लिख लेना दोस्तों देखिए पहली बात है राज्य के सभी मंत्रियों जितने भी मंत्री हैं राज्यों का कोई भी लोक सेवक हो उसके प्रति ये शिकायत रखने का अधिकार रखता है जिला प्रमुख व उप जिला प्रमुख के प्रति पंचायत समिति के जो भी प्रधान और उप प्रधान होते हैं उनके नगर निगम के महापौर और उप महापौरों के प्रति ये विरुद्ध शिकायत रख जाँच करने का अधिकार रखता है फिर है स्थानीय प्राधिकरण में नगर परिषद नगर पालिकाओं व नगर विन्यास के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों की भी जांच रखता है दोस्तों याद रखना ठीक है इनकी भी जानकारी रखता है और अगर और पूछें तो बताना सचिव विधानसभा अध्यक्ष वो विभागाध्यक्ष विधानसभा सॉरी विधानसभा नहीं विभागाध्यक्ष लोक सेवकों जिला परिषदों पंचायत समितियों के स्थायी समितियों के जो अध्यक्ष हैं उन सभी के विरुद्ध ये रखता है ध्यान राजकीय कंपनियों निगमों तथा मंडलों के अध्यक्ष का भी ये इनके ऊपर भी ये मामला दर्ज कर सकता है कर्मचारी हो और उसके अधिकारी हो उन सभी के प्रति ये दायर कर सकता है लेकिन शिकायत कितनी होनी चाहिए दोस्तों पाँच वर्ष से अधिक पुराना मामला नहीं होना चाहिए पाँच वर्ष का ही मामला होना चाहिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगे चलते हैं कि किन किन के प्रति वो शिकायत नहीं ले सकता लोकायुक्त निम्नलिखित में से या निम्निख लोकायुक्त निम्नलिखित के विरुद्ध शिकायत की जांच नहीं कर सकता तो वो कौन कौन से हैं जो इसके दायरे में नहीं आते हैं तो ये सब इनके दायरे क्षेत्र में नहीं आते हैं जिनको मैं आपको नीचे बताऊंगा अब देखिए सुनिए कौन कौन से नहीं आते हैं इनके दायरे में तो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश हैं वो इसके दायरे में नहीं आते भारत के जो किसी न्यायालय के अधिकारी हैं या कर्मचारी है उनके मध्य ये नहीं ला सकते मुख्यमंत्री जी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कई बार पूछे जाते हैं कि इनमें से किसके मध्य ये शिकायत जांच नहीं कर सकते तो दोस्तों मुख्यमंत्री ऑप्शन में आता है महालेखाकार का आर के अध्यक्ष और सदस्यों के बीच में ये जाँच नहीं कर सकता मुख्य निर्वाचन आयुक्त हुआ निर्वाचन आयुक्त हुआ प्रादेशिक आयुक्त हुआ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी इनके मध्य भी ये जांच नहीं कर सकता है फिर देखते हैं राजस्थान के विधानसभा सचिवालय के जो अधिकारी और कर्मचारी है उनके प्रति भी नहीं कर सकता सरपंच पंचों और विधायकों के विरुद्ध भी शिकायत दर्ज नहीं करता सेवानिवर्थ लोक सेवक इनके प्रति भी ये शिकायत दर्ज नहीं करता <coughs> आगे देखते हैं शिकायत प्रक्रिया कैसे चलू होती है कैसे पूर्ण होती है इसके बारे में बताता हूं मैं आपको कि शिकायतकर्ता अपने स्पष्ट नाम और पते के साथ दस रुपये के शपथ पत्र पर शिकायत कर सकता है शिकायत प्रक्रिया में ये इम्पोर्टेंट है अब मैं आपको क्वेश्चनों के बारे में बताता हूं दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनको आप गौर लीजिए दिमाग में ठीक है इनमें हंड्रेड परसेंट क्वेश्चन मिलेंगे आपको देखिए पहली बात सही विचार कीजिएगा ठीक है कथनों पर सही विचार कीजिएगा भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा दिया गया तो ये गलत आंसर ठीक है आगे चलते हैं संसद में पहला लोकपाल विधेयक उन्नीस में चौथी लोकसभा में प्रस्तुत किया गया वेरी इंपॉर्टेंट और ये क्वेश्चन भी याद रखना आंसर तो इसका यही है याद रखना कि संसद में पहला लोकपाल विधेयक उन्नीस में चौथी लोकसभा में प्रस्तुत किया गया ठीक है बाकी ये देखिए लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक 2011 को एक संविधान सो, संशोधन अधिनियम 2011 के तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया गलत ये भी ठीक है अब आगे चलते हैं इसमें चौथा भी तय सभी तो ये गलत हो गया अब दूसरा क्वेश्चन आपके पास कि एक मिनट इसको जूमआउट कर लेते हैं थोड़ा जो आपको अच्छी तरह दिख सकें देखिए लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक 2013 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना आपको तो आपको मैं पहले बता देता हूं कि लोकपाल के 50 प्रतिशत सदस्य अनुसूचित जाति के जनजाति के अन्य पिछड़ा वर्ग के अल्पसंख्यक और महिला श्रेणी के होंगे ये बात तो ध्यान रखना है होंगे राइट आंसर लोकपाल में एक अध्यक्ष और आठ सदस्य हो सकते हैं बिल्कुल सही बात है प्रतिवर्ष दस लाख से अधिक विदेशी सहायता प्राप्त सभी इकाइयां लोकपाल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है ये भी राइट है ध्यान रखना ये क्वेश्चन क्यों बनाई गई हैं दोस्तों क्योंकि आपको जो डाउट भी है वो यहाँ से क्लियर हो जाएंगे और आपका आंसर भी सही मिलेगा ठीक है लोकपाल के क्षेत्राधिकार में भारत के प्रधानमंत्री को बाहर रखा गया ठीक है सही बात है तो ये हो गया गलत सही नहीं है ये सही नहीं है दोस्तों क्योंकि लोकपाल के क्षेत्राधिकार से भारत के प्रधानमंत्री को बाहर रखा गया लोकपाल में तो आता ही नहीं है ठीक है तो अब आगे चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन अब बताइए आप भारत के किस राज्य में लोकायुक्त सबसे अंत में लागू हुआ मैंने ये नहीं बताया इसलिए मैंने इसे क्वेश्चन में डाला है इसलिए क्वेश्चन अगर बन जाए तो ये क्लियर हो जाएगा आप यहाँ के भारत में किस राज्य में लोकायुक्त सबके अंत में लागू हुआ है तो दोस्तों याद रखना असम त्रिपुरा गोवा और सभी तो याद रखना इसका राइट आंसर है गोवा में सबसे अंत में यह लोकायुक्त लागू हुआ था फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रथम लोकायुक्त कौन बने उप लोकायुक्त सॉरी उप लोकायुक्त कौन बने मैंने बताया था इसे के यूपी मैनन के यूपी मैनन साहब लो उपलोकायुक्त बने थे ठीक है आई डी दुहा की बात करें दोस्तों ये उप लोकायुक्त थे वो सॉरी लोकायुक्त थे पहले ठीक है राज्य के पहले लोकायुक्त थे आई डी साहब और अगर प्रथम उपलोकायुक्त की बात करें प्रथम तो के यूपी मैनन हो गया ठीक है आगे चलते हैं पांचवा क्वेश्चन राजस्थान में लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त अधिनियम उन्नीस सौ तिहत्तर कब पारित किया गया या पारित किया गया तो बताइए राजस्थान में कब पारित किया गया मैंने बताया था कि आपको 3 फरवरी 1973 के अंदर ये लागू हुआ था याद रखना क्योंकि ये उस समय कंप्लीट हो गया था लेकिन 28 अगस्त 1973 को ये दोस्तों राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए थे याद रखना कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आगे चलते हैं नेक्स्ट लोकपाल शब्द सर्वप्रथम किसने दिया ये बताना है आपको मैंने इसमें बताया भी था राधा मोरारजी देसाई एल एम सिंघवी एन तो मैंने बताया इसको स्टार्टिंग में यही था एल एम सिंघवी साहब ठीक है निम्न में से राजस्थान के लोकायुक्त के पद पर नहीं रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है अगर आ जाए ऐसा क्वेश्चन तो मैं बता देता हूँ डी पी गुप्ता साहब रहे एल एम जोशी साहब रहे और के एस सिद्धू साहब रहे लेकिन पी एल दवे नहीं रहे हैं दे ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं ये कह रहा है आपसे कि भारत में किन राज्यों में लोकायुक्त जांच क्षेत्र के में उसका कार्य भ्रष्टाचार के आरोप की जांच करना है न कि शिकायतों की क्वेश्चन बताना है आपको कि उस राज्यों को बताना है आपको कि लोकायुक्त जांच क्षेत्र में उसका कार्य भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करना है ठीक है किसकी जांच करना है भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करना है न कि शिकायतों की ठीक है तो अब देखिए हिमाचल प्रदेश इसको मैं राइट आंसर में बता देता हूँ आपको याद रख लेना राजस्थान है हिमाचल प्रदेश है आंध्र प्रदेश है और गुजरात है जिसकी शिकायतों की जांच नहीं होती वहाँ पे भ्रष्टाचार और आरोपियों की जांच की जाती है लोकायुक्त के अनुसार लोकायुक्त के हिसाब से ठीक है वहाँ लोकायुक्त ये कार्य करता है फिर नेक्स्ट करते हैं भारत में किन राज्यों में लोकायुक्त जाँच प्रारंभ करने में स्वयं पहल कर सकता है भारत के किन राज्यों में लोकायुक्त जांच प्रारंभ करने में स्वयं पहल कर सकता है तो वो है दोस्तों राजस्थान था उसमें पहले नंबर पर फिर है भारत के भारत के किस राज्य में सबसे पहले लोकायुक्त की स्थापना हुई किसकी लोकायुक्त की स्थापना लोकाय। अब आपसे डाउट में क्वेश्चन होगा महाराष्ट्र में राजस्थान में गोवा में और रहे उड़ीसा में अब आपको राइट आंसर बताना है तो मैं आपको बता दूं उड़ीसा ही इसका राइट आंसर है याद रखना अगर आपको लोकायुक्त की बात करता है लोकायुक्त की स्थापना तो उड़ीसा में हुई थी लोकायुक्त संस्था की बात करें तो आपको महाराष्ट्र जवाब देना है मैंने इसको उस समय भी बताया था नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाँ ये आ ही गया है भारत में सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना लोकायुक्त संस्था है यहाँ पे याद रखना स्थापना किस राज्य द्वारा की गई है ये बताना है तो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि महाराष्ट्र वो है जहाँ लोकायुक्त संस्था की स्थापना हुई दूसरा नंबर है राजस्थान का सेकंड नंबर राजस्थान का है याद रखना ये भी पहली महाराष्ट्र और अगर लोकायुक्त की बात करें तो वो है उड़ीसा ये भी आपको क्लियर हो गया होगा फिर देखते हैं सर्वप्रथम सांसदों को लोकपाल बिल के दायरे में लाने वाले प्रधानमंत्री थे ठीक है तो वो थे मोरारजी देसाई साहब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में लोकपाल और लोकायुक्त तो नाम संस्थानों की स्थापना की अनुशंसा की किसने की थी तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने की थी ठीक है ये भी हो गया फिर है तेरवा क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से ओम्स बोर्ड्समैन नामक संस्था के बारे में सत्य कथन बताइए आपको तो स्वीडन में इसकी स्थापना 1809 में की गई थी ये मैंने आपको पहले बताया था स्वीडन बिल्कुल राइट है फिनलैंड की स्थापना 1918 में की गई ये भी राइट है अब यहाँ पे रट लेना अगर वहाँ पे मैंने दे दिया यहाँ पे दे दिया क्लियर कर दिया आपके लिए फिनलैंड में स्थापना इसकी 1918 में हुई ब्रिटेन में संस्था की स्थापना उन्नीस में हुई थी पार्लियामेंटर वो पार्लियामेंट्री कमिश्नर के रूप में इसकी स्थापना हुई थी तो इसके राइट आंसर दोस्तों उपरोक्त सभी होगा फिर चलते हैं चौदवा क्वेश्चन विश्व का पहला ओम्समैन कब स्थापित हुआ मैंने इसको भी आपको क्लियर करवा दिया इसी क्वेश्चन में ऊपर वाले में तो आपको बताने में आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो उन्नीस स्वीडन में ठीक है अब आगे चलते हैं ओम्स बूट्समैन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है तो इसका मैं बता दूं आपको संस्कृत में पूछे तो उ... क्या लोकायुक्त का पूछेगा संस्कृत में तो ठीक है तो इसको छोड़ो आप तो ओम्स बूट्समैन में शब्द का याद रखना कि ओम्स बूट्समैन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है तो बता दूं मैं आपको प्रतिनिधि या वकील ये दोनों ही इनके शाब्दिक अर्थ होते हैं फिर नेक्स्ट चलते हैं हो गए शायद पंद्रह क्वेश्चन है हाँ पंद्रह क्वेश्चन है तो दोस्तों आपको इनमें बहुत सहायता मिलेगी पटवार में तो इनको पढ़ के ही जाना है दोस्तों हंड्रेड परसेंट इनमें से क्वेश्चन मिलेंगे नहीं मिले तो आपको मैं बता दूँ आपको मेहनत डबल करनी होगी तो दोस्तों इनको क्लियर कर लेना इनको पढ़ना ही पढ़ना है दोस्तों इनसे छूटेगा नहीं लोकायुक्त से बाहर इसमें से क्वेश्चन तो नहीं जा सकता ये तो गारंटी है नहीं माने तो पेपर उठा के देख लेना और इस वीडियो को मिला लेना आपको पता चल जाएगा कि लोकायुक्त से अगर कोई क्वेश्चन बाहर आया है तो इससे बाहर तो कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा तो याद रखना दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद मिलते रहिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ आगे तब तक पढ़ते रहो आगे बढ़ते रहो धन्यवाद आप सभी का